हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं दिवाली खत्म हो चुकी है, बट एसएससी की दिवाली अभी खत्म नहीं हुई है। एसएससी लगातार रोज कुछ ना कुछ नया करता जा रहा है अपने लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी बच्चे परेशान थे, इनफैक्ट जो भी एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी कर रहा था बहुत टाइम से, वो परेशान था उसकी पोस्ट को लेकर, उसकी नोटिफिकेशन को लेकर, उसके प्रोसेस को लेकर। लेकिन एसएससी ने अब सबकी नाराजगी दूर कर दी है। अभी कुछ टाइम पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था जिसमें 20,000 के आसपास पोस्ट थी। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें वो पोस्ट बढ़ा दी गई। उसके बाद सीपीओ के एडमिट कार्ड, और कल रात आया है सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट। तो ये वीडियो आज उसी के बारे में होने वाली है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या रहा है इस बार रिजल्ट 2020 में, किस पोस्ट पर कितनी कट ऑफ गई है, और किन बच्चों को क्या रैंक मिली है, क्या पोस्ट मिली है, और वो तैयार हैं इंडियन गवर्नमेंट में काम करने के लिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन कल रात आया है, और यहां कट ऑफ की बात करेंगे डायरेक्टली। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA, ये पोस्ट जो है ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत रेप्यूटेड पोस्ट मानी जाती है सीजीएल के अंदर। इसकी कट ऑफ भी इसलिए हमेशा हाई जाती है। तो देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही है इस बार। यूआर, दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है वो है 635.65। 635 नंबर हमें लाने हैं इस बार। बच्चे लेकर आए हैं 700 में से, ठीक है। इस बार हालांकि पैटर्न चेंज हो गया है, प्री क्वालिफाइंग है, जो मार्क्स है वो मेंस के ही, जो कट ऑफ है जो वो मेंस से ही बनने वाली है। लेकिन हम यहां पर 700 में से मार्क्स हैं जो इस बार का जो पैटर्न रहा था, ठीक है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ थी वो रही 619, एससी कैटेगरी 552, एसटी कैटेगरी 527, ओएच 507, ओबीसी 602। तो ये थी दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ। आगे चलेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। AA के बाद जो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है वो होती है हमारे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की पोस्ट। इसकी कट ऑफ देखते हैं क्या रही है इस बार। ये है 605 नंबर। यूआर की जो कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में कट ऑफ रही है इसकी 605.73 मार्क्स, इसकी कट ऑफ गई है। EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गई है इसकी 581 कट ऑफ। एसटी में 506, एसटी 502, और ओबीसी में है 578। आगे चलेंगे। ये अब जो पोस्ट है इनके बारे में बात करने वाले हैं। ये कुछ पोस्ट हमारी ऐसी हैं यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ठीक है। ये तीनों पोस्ट जो हैं ये हमारी ASO पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली ये पोस्ट हैं हमारी तीनों। BO3 ये हमारी पोस्ट होती है CSS, दैट इज सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज। दिल्ली में है, दिल्ली में आपकी इसमें जॉब लगेगी, जो सचिवालय है आपका वहां इसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। BO3 UR की इसकी कट ऑफ गई है 587। BO4 बात करते हैं इसकी, सेम मैंने बताया कि तीनों पोस्ट जो है वो ASO है, सेम पोस्ट है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये है यहां पर हमारी IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये आती है, और इसकी कट ऑफ गई है हमारी 576। इसके बाद हम बात करेंगे BO6 की। ये जो पोस्ट है ये आती है हमारी MEA, ठीक है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। जो बच्चे सपना देखते हैं बाहर जाके जॉब करने का, ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है और काफी बच्चों की ये ड्रीम जॉब होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज्यादातर बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं या सब लोग चाहेंगे इसमें काम करना। तो ये है हमारी MEA, इसकी कट ऑफ जो है वो है 601, 601 नंबर 700 में से आपको लाने हैं। आप इस बार बच्चे लेकर आए हैं इसको, इसमें जाने के लिए। आगे चलेंगे B20, B21, B22, B23, ठीक है। यहां हम बात करेंगे B22 की, ठीक है। ये जो पोस्ट है ये आती है हमारी, ये दोनों पोस्ट हमारी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, ओके। ये दोनों पोस्ट हमारी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। ये आती है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और ये आती है हमारी GST एंड एक्साइज के अंदर, ओके। तो इनकम टैक्स के में इंस्पेक्टर बनने के लिए इस बार जो कट ऑफ गई है वो है 572, 572.38, और GST के लिए गई है 559, ओके। GST इंस्पेक्टर के लिए, GST एंड एक्साइज, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्सेस है और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है।
दैट इज 559। आगे चलेंगे यहां पर, ये जो पोस्ट है हमारी, इसका अगर आप नाम सुनेंगे, ये है हमारी सीबीआई, ठीक है। इसका नाम तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, सब लोगों का मन करता है सीबीआई में जॉब करने का। आप टीवी में देखते हैं, आप न्यूज में देखते हैं कि हम भी जाएंगे सीबीआई में जॉब करेंगे। तो ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई के अंदर, और इसकी जो कट ऑफ गई है 575 है। कुल 11 पोस्ट थी इस बार वैकेंट सीबीआई के अंदर, ओके। कम से कम आपको 516 नंबर लाने थे, अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आप यूआर में हैं तो आपको चाहिए थे इस बार 575 मार्क्स। आगे चलेंगे, ठीक है। ये है हमारा सीएजी, सीएजी ऑडिटर, ठीक है। सीएजी ऑडिटर पोस्ट होती है सीएजी के अंदर जो आती है, इसमें आपकी कट ऑफ जो गई है वो गई है 545, ठीक है, 545.944, ओके। और इसमें ईडब्ल्यूएस में गई है 531 और ओबीसी में गई है 526, ये इनकी कट ऑफ इस बार रही है। और ये जो है 526, ठीक है, ये इस बार की अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन ही लेना है इस बार सीजीएल में, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो एटलीस्ट आपको 526 नंबर चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो ये कट ऑफ गई है वो है टीए, दैट इज टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, ठीक है। इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उसमें टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ इस बार 526.76 जो है इसकी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक शॉर्ट एनालिसिस इस बार की कट ऑफ का, इस बार क्या कट ऑफ गई है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको एग्जाम्बी की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, एक महीने बाद फिर से प्री आ रहा है सीजीएल 2022 का, आप उसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से मन लाकर पढ़िए। थैंक यू।